हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बिगर एस्टेट। माय नेम इज अजय नारायण। आज हम बात करेंगे एक हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की जिसका रेरा अराउंड 2 दिन पहले ही आया है। जी मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट वर्ड के प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ड 1 DXP की, जो कि आ जाता है सेक्टर 113 बैंगोन द्वारका 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस वे पे। और ये जो बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है दिल्ली से 0 किलोमीटर है। जब आप द्वारका एक्सप्रेस वे के थ्रू द्वारका से एंटर करते हो गुड़गांव में, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट राइट साइड में हमारा ये होने वाला है आज की डेट में, राइट। सो आइए पहले हम एक बार इसकी कनेक्टिविटी समझते हैं, लोकेशन समझते हैं, और उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए, सो ये देखिए, ये मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे खड़ा हूँ। ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है, इधर आपका सीधा NH8 आ जाता है 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे, और ये सामने आपका डेली है। डेली बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे, और ये है स्मार्ट वर्ड की लैंड। ये आप जो ब्रांडिंग देख पा रहे हो, ये स्मार्ट वर्ड की जो लैंड है बैंगोन द्वारका एक्सप्रेस वे। इधर आपका डेली है, इधर जो आपका आ जाता है NH8, वो सामने आपके M3M कैपिटल का काम चल रहा है, और उधर आपके M3M के SCOs हैं। ये इधर पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव, और इधर M3M 111 की लैंड आ जाती है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया, और ये आ जाती है स्मार्ट वर्ड 113 प्रोजेक्ट का जो है लैंड बैंक। लर्सन टार्बो का जो वेयर हाउस भी है, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे से रिलेटेड विंग्स और उसका अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये आप देख सकते हो। ये इस हिसाब से जो है लोकेशन और कनेक्टिविटी निकल के आती है। आई होप इसकी कनेक्टिविटी आपको क्लियर होगी होगी। सो इसमें अगर मैं कनेक्टिविटी में बात करूँ, तो मेन द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्रोजेक्ट है। जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे आप आओगे, सीधा 10 to 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपका NH8 है, जो मानेसर टोल प्लाजा से पहले आ जाता है। वहां पे आपको पता है क्लोवर लीफ भी बन रहा है, उस क्लोवर लीफ से आपके DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, इधर आप हीरोंडा चौक जाओ, राजीव चौक जाओ, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आती है। बाकी अगर मैं लोकेशन से द्वारका साइड जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर आ रहा है जो AICC, वहां से 5 मिनट है। आपका जो है डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी शिफ्ट हो रहे हैं वहां द्वारका में, वहां से भी 5 मिनट है। IJ एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो 10 to 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। आई थिंक अगर आपने द्वारका एक्सप्रेस वे का अगर आपने पूरा पैच देखा होगा, तो आपको पता भी है कि एक ट्यूनल बन रही है दिल्ली वाली साइड से, जो कि आपको IJ एयरपोर्ट पे कनेक्ट करेगी सीधा। और इसके अलावा अगर आप उद्योग विहार की बात करो, सेक्टर 18 जो कि गुड़गांव में है, मेजर आपका इंडस्ट्रियल हब है, वहां आपकी डिस्टेंस 15 मिनट है। और DLF साइबर सिटी, उसका डिस्टेंस आपका 20 मिनट्स का पड़ने वाला है इस लोकेशन से। सो इस हिसाब से कुछ ये पूरी कनेक्टिविटी निकल के आती है। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर। बिल्डर इसमें आ जाता है स्मार्ट वर्ड डेवलपर, जो कि जिनके जो प्रमोटर है M3M है, और 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जो कि आपके लोराइज है। और लोराइज में आपको पता है कि बेसमेंट स्टिल 4 फ्लोर का कॉन्सेप्ट रहता है, बिल्डर फ्लोर जिसे कहते हैं आपको, और बड़ी प्रीमियम बिल्डर फ्लोर्स रहते हैं आपके ये, सो विद ऑल दी एमिनिटीज। सो एक इनका प्रोजेक्ट आता है स्मार्ट वर्ड जैम सेक्टर 89 न्यू गुड़गांव में, और दूसरा प्रोजेक्ट इनका स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड करके आता है सेक्टर 61 के अंदर। दोनों ही हिट प्रोडक्ट रहे हैं, इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है, और आज की डेट में कुछ एक इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है दोनों प्रोजेक्ट की, स्मार्ट वर्ड जेम्स की भी, 89 की भी, और स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड की भी। सो ये इन्वेंट्री एक तरह से फ्रेश इन्वेंट्री है, जिनकी कुछ यूनिट कैंसिलेशन हो जाते हैं ड्यू टू लोन और ड्यू टू सम अदर रीजंस, सो वो यूनिट्स आ जाती हैं, अच्छी यूनिट्स हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ, बट रेट आपको पुराने वाला नहीं मिलेगा, जो भी आज की डेट में कंपनी की आस्किंग है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेगोशिएबल करके आपको जो चीज मिल जाती है, बट आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी है दोनों प्रोजेक्ट, चाहे वो स्मार्ट वर्ड 89 का हो या स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड 61 का हो। और ये थर्ड अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बट हाई राइज अपना पहला लेके आ रहे हैं सेक्टर 113 ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे पे। सो ये था बिल्डर। नाउ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। रेरा पूर्ण आपका प्रोजेक्ट है, 2 दिन पहले इसका रेरा आया है। 16 की आपकी जो है टाउनशिप है, जिसमें आपके 16 टावर हैं। अभी इन्होंने 8 टावर लॉन्च किए, ABCDEFGH करके टावर लॉन्च किए हैं, और इसके अंदर जो है आपका 16 में से 8 टावर लॉन्च किए, और जो है 1800 यूनिट आएंगे टोटल, और हाफ यूनिट एक तरह से इन्होंने लॉन्च की हुई है। और जो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा हाई राइज का आपका कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड प्लस 30 आपकी डेवलपमेंट रहेगी। और अगर मैं बात करूं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की, तो 3 साइजेस हैं, 2.5 BHK के 2 साइज हैं,
3.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर एंड 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर। अगर मैं बात करूँ 2.5 BHK की, 1380 स्क्वेयर फिट साइज है। दूसरा 2.5 BHK का साइज आपका 1860 स्क्वेयर फिट आ जाता है। तीसरा साइज 3.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर आपका साइज आता है 2040, और उसके बाद जो लास्ट वाला साइज आ जाता है 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2600 स्क्वेयर फीट का हमारा साइज आ जाता है। सो इस हिसाब से कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं बात करूं ये जो है आपका इसमें जो इनिशियल यूनिट्स दे रहे हैं उसके अंदर आपको फुली लोडेड आपको यूनिट्स मिल रही हैं, जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन विद होब चिमनी एंड रेफ्रिजरेटर प्लस आपको इटालियन बार्बर मिल रहा है, वीआरवी एसीज मिल रहे हैं जो कि इनिशियल यूनिट्स पे हैं, तो आप उनका बेनिफिट उठा सकते हो। सो इस हिसाब से कुछ आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आइए मैं आपको मॉडल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे ये डेवलपमेंट रहने वाली है, क्योंकि इसका फसाड काफ़ी अच्छा है जो आपको मॉडल देखते ही पता लगेगा। और लोकेशन में ऐसा सभी कुछ दिखाने को है नहीं, कनेक्टिविटी के टाइम में जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई है वही अभी डेवलपमेंट है, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। सो आइए एक बार हम इसको देखते हैं और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी होगी कैसे ये प्रोजेक्ट निकल के आने वाला है 3.5-4 साल के अंदर। और अब मैं बात करता हूँ हैबिटेशन की। सो अगर हम स्कूल से स्टार्ट करें तो आसपास सोसाइटी में आपको डीपीएस, इंपीरियल हेरिटेज स्कूल, गुड़गावा ग्लोबल हाइट स्कूल, प्राइम इंटरनेशनल स्कूल, रॉयल ऑक स्कूल मिल जाता है आपको। इवन आपको द्वारका के स्कूल भी एक्सेसिबल है 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे, और सीधा आप NH8 जाते हो तो आपको NH8 से भी आगे जो है मेजर स्कूल्स मिल जाते हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, आर्या हॉस्पिटल, स्पर्श हॉस्पिटल, वाइब्रेंट हॉस्पिटल, अगेन द्वारका साइड के भी, और राजीव चौक साइड भी अगर गुड़गांव के जाते हो तो आपको हॉस्पिटल सारे एक्सेसिबल हो जाते हैं। इस साइड 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस है द्वारका साइड, उधर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं 15-20 मिनट में आप जो है मैक्स टू मैक्स 25 मिनट के अंदर आपको जितने भी मेजर हॉस्पिटल है वो आपको एक्सेसिबल है, राइट। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल की। सो इस स्मार्ट वर्ड के प्रोजेक्ट के सामने ही M3M111 प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि प्रीलोन स्टेज के है, प्रीलोन स्टेज पे है। उससे आगे हम थोड़ा चलेंगे तो M3M कैपिटल वॉक है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके M3M कैपिटल के सामने पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, और अंदर भी आपको काफी रेजिडेंशियल मिल जाएंगे। M3M कैपिटल के आप राइट साइड जाते हो ब्रजगेड़ा रोड वाली साइड तो टाटा लाविडा वो भी आपका अबाउट टू रेडी टू मूव है, गुड़गांवा गेटवे, और उससे आगे आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको काफी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव के स्टेज में मिल जाते हैं। कमर्शियल अभी आपका कॉन्शियट वन आपका जो है ऑपरेशनल है, और डिप्लोमेटिक ग्रीन के अंदर भी कुछ आपकी सोसाइटी शॉप ऑपरेशन है, बट जब तक आपका ये बनेगा आपका ये जो प्रोजेक्ट है तब तक काफी कमर्शियल और ऑपरेशनल हो जाएंगे। इस हिसाब से हैबिटेशन है।
अब हम बात करते हैं एमिनिटीज की। सो एमिनिटीज में क्या है कि आपको बिग क्लब हाउस मिलने वाला अराउंड 1.10 लाख स्क्वायर फीट के अराउंड। बाकी इसमें स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है, बायोमेट्रिक आपका एक्सेस है, आपका जो है 24/7 आपको जिम, 24/7 आपको स्मार्ट ऑफिस स्पेस मिलने वाला है इसके अंदर, जिसमें आप जाके काम कर सकते हो 24/7। इसके अलावा जो है आपको क्लब हाउस, जैसे मैंने बताया, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच हो गया आपका, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट हो गया आपका, और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप देख मॉडल में आपने देखा होगा कि अच्छे खासी वाटर बॉडीज, लगून फेसिंग्स, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें इन्होंने लाया हुआ है। जैसे मॉडल को अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए भी, किड्स प्ले एरिया के लिए भी, स्विमिंग पूल, किड्स पूल, सो एमिनिटीज में भी आपको आई थिंक कोई मेजर चैलेंज रहने नहीं वाला, ऑलमोस्ट हर टाइप के आपको एमिनिटीज मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की। सो पेमेंट प्लान क्या है कि अभी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है 30-30-30-10, 11 लाख से आपकी बुकिंग होगी, 30% आपको जो है विद इन 30 डेज आपको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 30% जब आपका जो है सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, रूफ स्लैब जो आपकी टॉप की जब डलेगी, और उसके बाद नेक्स्ट 30% जो आपको जब दे विल अप्लाई फॉर दी ओसी, और 10% पोजेशन पे। सो कंस्ट्रक्शन लिंक आपका प्लान है, अभी यही प्लान है, बाकी अगर कोई और प्लान आता है देन आई विल अपडेट यू थ्रू माई चैनल। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जरूर, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इमीडिएट बेसिस पे मिलती रहे। लोन आपको इजी मिल जाएगा क्योंकि रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है, मेजर बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे मेन सेगमेंट की, जो कि आ जाता है प्राइसिंग। सो प्राइसिंग इसमें क्या है कि आपका जो बीएसपी है वो 12,000 स्क्वायर फीट है, और 500 आपका ईडीसी है, तो 12,500 आपका जो है ये ईडीसी आईडीसी प्लस बीएसपी आ जाता है, और इसमें आपको जो टीपीआर डिस्काउंट मिल जाता है 300 स्क्वायर फीट के हिसाब से। बाकी जो है आपके अदर चार्जेस हैं, जिसमें आपका क्लब चार्जेस वन टाइम जो है 5 लाख, कार पार्किंग 6 लाख, और जीएसटी 5% आपको पता है, या पीएलसी इज एप्लीकेबल। पीएलसी में क्या है कि आपको अगर लगून फेसिंग में जाते हो, सिटिंग फेसिंग में जाते हो, या द्वारका एक्सप्रेस फेसिंग में जाते हो, उस हिसाब से है, और फ्लोर के हिसाब से भी आपकी जो है पीएलसी है। सो पीएलसी आपकी वैरी करती है 150-900 स्क्वायर फीट के हिसाब से, जीएसटी मैंने आपको बता ही दिया। So, इस हिसाब से कुछ इसके जो है चार्जेस हैं। सो अगर हम बात करें मेन यूएसपी की, तो फर्स्ट इसका मेन यूएसपी है कि बैंगोन द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाता है 150 मीटर वाइड रोड अलोंग विद 18 मीटर सर्विस रोड। दिल्ली से आपका 0 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है, जैसे कि मैंने बताया दिल्ली से एंटर करोगे, अभी आज की डेट में पहला प्रोजेक्ट पड़ता है। तीसरी अगर मैं यूएसपी मेन बताऊं कि आपका बिल्डर जो है, बिल्डर ने 2 प्रोजेक्ट पहले दिए हैं, और उसमें चाहे इन्वेस्टर ने भी पैसा कमाया, प्लस जो एंड यूज के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट आज की डेट में निकल के आ रहा है, आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं थर्ड बात करूं तो हायर एफिशिएंसी है, लेआउट भी काफ़ी अच्छे हैं। लेआउट के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको लेआउट शेयर करूंगा इसके, क्योंकि अगर मैं लेआउट शेयर करूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं लेआउट्स पे भी वीडियो बना सकता हूँ। और फिफ्थ जो है, जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, इनका जो फसाड है, वो जो आप मॉडल में आपने देखा होगा या आपने एड में भी काफ़ी देखा हो, तो फसाड इनका देखते ही एक जो है फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगता है, और सामने जो लगून फेसिंग है, क्लब हाउस फेसिंग है, सो ऑल एंड ऑल अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप अगर फर्दर और जानना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो साइट विजिट, या आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर बेस्ट डील चाहिए उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप इस बजट में देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको प्राइसिंग बताई, तो आप एक बार ऑप्शन ये कंसिडर कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी प्लीज ज्वाइन करें, जिसपे मैं गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इमीडिएट बेस पे वहाँ पे मिल सकती है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, स्मार्ट वन न्यू हाई राइज 1DXP इन ऑन सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेस वे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।